क्लास टू एंड इट्स ऑन पेज 19, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज हम क्लास टू की साइंस का यूनिट 5 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स, बेसिकली लाइफ साइकिल्स हैं क्या? हमारी जिंदगी जो है, मतलब पूरी लाइफ जो है, ठीक है, उसमें काफ़ी स्टेजेस आते हैं जहाँ पर बहुत से चेंजेस हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमारी पूरी जो लाइफ है, इसको क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। साइकिल का मतलब होता है ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब जो चीज़ बार बार रिपीट होती है उसको हम साइकिल बोलते हैं। जिस तरह अब कुछ एनिमल्स होते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं। जिस तरह हम एक बकरी का बच्चा देखते हैं तो वो छोटे होते हुए बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही लगता है, ठीक है। उसी तरह अब हम क्या करते हैं, हम एक काऊ के बच्चे को देखते हैं तो क्या होता है, उसका बच्चा भी उसी की तरह से होता है जैसे काऊ होती है, ऐसे ही है ना। लेकिन कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पैदा होते हैं साथ ही अपने पेरेंट्स की जैसे नहीं नज़र आते हैं। वो लाइफ मतलब उनकी बहुत से चेंजेस आते हैं उनकी उनके अंदर, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी में उनके बहुत से मतलब फीचर्स होते हैं, पहले डिफरेंट होते हैं लेकिन बाद में अपने पेरेंट्स की जैसे नज़र आने लग जाते हैं, जैसे वो एडल्ट एज में जाते हैं। तो हम इसी चैप्टर में इसी बात के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल एनिमल्स हैव यंग वंस, हर एनिमल्स मतलब हर जानवर के जैसे उनके छोटे भी जानवर भी होते हैं। सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, तो कुछ छोटे जानवर जो होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं व्हेन दे आर बोर्न, जब वो पैदा होते हैं। अ लैम लुक्स लाइक अ शीप एंड अ काल्फ लुक्स लाइक अ काउ, तो जो भेड़ का बच्चा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, एक भेड़ के जैसे ही दिखाई देता है जब वो छोटा भी होता है, ठीक है। और जो काऊ का बच्चा होता है वो बिल्कुल क्या होता है, काऊ के जैसे ही नज़र आता है। कैन यू नेम अ फ्यू मोर यंग एनिमल्स दैट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, तो क्या आप ऐसे कुछ छोटे जानवरों के नाम बता सकते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे ही नज़र आते हों? सम एनिमल्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे आर बोर्न, कुछ एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नज़र नहीं आते जब वो पैदा होते हैं। अ टैडपोल एंड कैटरपिलर ग्रो न्यू बेबी न्यू बॉडी पार्ट्स एंड चेंज इन मैनी वेज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स, तो जो टैडपोल होता है और जो कैटरपिलर होता है, तो जो टैडपोल और जो कैटरपिलर होता है वो मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करता है पूरी लाइफ साइकिल के दौरान। वो पैदा होते साथ अपने एक बटरफ्लाई का बेबी जो है वो बिल्कुल एक बटरफ्लाई की जैसे नहीं होता, ओके। अ साइकिल इज समथिंग दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन, साइकिल क्या होती है, एक ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट होती है, ओके। ऑल लिविंग थिंग्स हैव लाइफ साइकिल्स, हर जानदार की लाइफ साइकिल होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड एंड डाई, तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बट दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन टाइप विच ग्रो इन टू एडल्ट, लेकिन वो अपने जैसे ही छोटे बच्चों को पैदा करते हैं जो कि बड़े होकर बिल्कुल उनके जैसे ही निकलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ बात की, कुछ एनिमल्स होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे नज़र आते हैं पैदा होते साथ, लेकिन कुछ होते हैं जो ऐसे नहीं होते, वो वक्त के साथ साथ अपने पेरेंट्स के जैसे बनते हैं। तो हम यहाँ फ्रॉग की लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्स हैं, दीज आर अ फ्रॉग्स एग्स, तो ये क्या है, फ्रॉग्स के एग्स हैं। फ्रॉग्स से एग्स से आगे क्या बन रहे हैं, अ टैडपोल कम्स आउट ऑफ एन एग, तो टैडपोल निकलते हैं एग्स के अंदर से, मतलब इतने ज़्यादा एग्स बनते हैं उनके अंदर से टैडपोल्स निकलते हैं। इट लिव्स इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। उसके बाद टैडपोल की शेप फिर चेंज हो गई है। After a few days, its tail becomes short, the hind legs grow. तो क्या होता है, उसकी जो पूंछ होती है पहले जो थी वो बड़ी थी, लेकिन फिर क्या होगी, शॉर्ट हो गई और जो क्या था, उसकी दो टांगें भी निकल गई जो पहले नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एज द टैडपोल ग्रोज, जैसे जैसे टैडपोल बड़ा होता है, इट्स टेल स्टार्ट्स टू श्रिंक, तो उसकी जो पूंछ होती है वो बिल्कुल छोटी होना शुरू हो जाती है। वी कॉल इट अ फ्रॉगलेट, हम उसको फ्रॉगलेट कहते हैं। द टैडपोल्स जो ग्रोज द फ्रंट लेग्स आल्सो ग्रो, उसके जोस भी ग्रो करते हैं और उसकी आगे वाली टांगे भी बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद फाइनली अ फ्रॉगलेट ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, तो एट लास्ट क्या होता है, जो फ्रॉगलेट होता है ये फ्रॉग में बदल जाता है। इट हैज़ नो टेल, इसकी पूंछ नहीं होती, जब इसकी पूंछ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है और एक टाइम पर आके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब वो एडल्ट एज में चला जाता है। इट हैज़ फोर लेग्स, की चार टांगें होती हैं। इट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये क्या होता है, ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकता है।
अच्छा आपको अब एक मज़े की बात पता है, अब अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो टैडपोल होता है मतलब जो फ्रॉग होता है वो जो फ्रॉग का बच्चा होता है वो पानी और ज़मीन दोनों के अंदर कैसे रह सकता है, दोनों के ऊपर कैसे रह सकता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो टैडपोल होता है उसके बहुत टिनिकल्स होते हैं जो कि उसको पानी में सांस लेने में मदद करती है। जैसे एक फ़िश होती है, वो फ़िश कैसे पानी में सांस लेती है, इसी वजह से उसी तरह टैडपोल के भी बहुत छोटे छोटे गिल्स होते हैं जिनकी मदद से वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। लेकिन जो फ्रॉग्स होते हैं उनके जो लंग्स होते हैं वो बिल्कुल हमारे तरह होते हैं, जो कि मतलब लंग्स की मदद से ही सांस लेते हैं हम लोग। इसी वजह से क्या होता है, फ्रॉग्स होते हैं वो लैंड के ऊपर रह सकते हैं, मतलब ज़मीन के ऊपर रह सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉग और टॉड का डिफरेंस है, मतलब देखने में तो दोनों सेम लगते हैं लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस है। अब फ्रॉग एंड टॉड लुक ऑलमोस्ट सिमिलर, जो फ्रॉग और टॉड होता है वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही नज़र आते हैं, बट दे आर डिफरेंट एज शोन इन द टेबल बिलो, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है जैसे आपको टेबल में नज़र आ रहा है। ओके, फ्रॉग एंड टॉड, एग्स की बात करते हैं। इट लेज एग्स इन वाटर इन क्लस्टर्स। जो फ्रॉग होता है वो पानी में अंडे देता है, ठीक है, और किस फॉर्म में, इस तरह सात जुड़े होते हैं छोटे छोटे गोल गोल। टोड, इट लेज एग्स इन वाटर इन लॉन्ग चेन्स, ये भी पानी में अंडे देता है लेकिन किस में, एक लॉन्ग चेन्स की शक्ल में अंडे देता है। ये सर्कल सर्कल होते हैं, ठीक है, और सात से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, चेन्स की शक्ल में अंडे देता है। आगे स्किन की बात करते हैं। इट है स्मूथ एंड स्लिम स्किन, इसकी वो स्मूथ और वो स्लिम स्किन होती है, जब आपको देखने में नजर आते हैं हाथों से फिसलता है जब इसको पकड़ो तो, ठीक है। इट हैज़ रफ एंड ड्राई स्किन, इसकी बहुत रफ और खुरदरी स्किन होती है, जैसे आपको फील हो रहा होगा यहीं पे कि बहुत ड्राई ड्राई स्किन है इसकी। टीथ, इट हैज़ टीथ, फ्रॉग के दांत होते हैं, इट हैज़ नो टीथ, टॉड के दांत नहीं होते। तो ये कुछ डिफरेंस है मतलब फ्रॉग और टॉड के अंदर कि वो एक दूसरे के जैसे नज़र तो आते हैं लेकिन एक दूसरे के जैसे होते नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब हम यहाँ पे एक बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। जब बटरफ्लाई लेज एग्स जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, वो अंडे देती है। ईच ऑफ विच टर्न्स इनटू अ लार्वा आफ्टर सम टाइम, तो वो सारे क्या होते हैं, मतलब हर एक अंडा जो होता है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। इट टर्न्स इनटू अ प्यूपा विच लेटर बिकम्स अ बटरफ्लाई, उसके बाद वो एक प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बाद में बटरफ्लाई कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, सबसे पहले ये है द कैटरपिलर चेंज इनटू अ प्यूपा क्राइसलिस, तो जो कैटरपिलर होती है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्राइसलिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एन एडल्ट एमर्जिंग फ्रॉम प्यूपा क्राइसलिस, तो जो उसके बाद जो होता है उसमें से एक मतलब बटरफ्लाई निकलना स्टार्ट होती है। सॉरी, हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले एक अंडा है, ठीक है, बटरफ्लाई का अंडा है। अब बटरफ्लाई स्टार्ट लाइफ एज अ वेरी स्मॉल एग, जो बटरफ्लाई होती है वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करती है एक बहुत ही छोटे अंडे से। व्हेन एन एग हैचिस अ लार्वा एमर्जिस इट इज नो कॉल्ड अ कैटरपिलर, तो जब वो कह लो कि जो अंडा टूटता है उसके अंदर से एक लार्वा निकल आता है, ठीक है, जिसको हम बाद में कैटरपिलर कहते हैं। उसके बाद जो लीफ होता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ठीक है, मतलब बंद कर लेता है। द कैटरपिलर चेंज इनटू प्यूपा क्रिसलिस, तो इसके बाद क्या होता है, वो जो कैटरपिलर होती है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम क्रिसलिस भी बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर से एक एडल्ट निकलता है, ठीक है, फाइनली एन एडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम प्यूपा क्रिसलिस। उसके बाद क्या होती है, एंड में जो एक होती है एक बटरफ्लाई निकलती है, उसके अंदर से पूरी एडल्ट बटरफ्लाई निकल आती है। सो ये था हमारा क्लास टू का यूनिट नंबर 5। होप सो आप लोगों को ये समझ आया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share, and comment the videos. Thank you very much.